स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग के इस सीरीज के आखिरी वीडियो, यानी इस सीरीज का ये आखिरी वीडियो है। तो ये 10वां वीडियो हो गया। कोशिश तो मैंने 9 में ही की थी लेकिन नहीं कर पाया खत्म। चलिए, अभी तक आपने देखा और सीखा कि किस तरीके से अष्टक वर्ग बनता है और किस तरीके से सर्वाष्टक वर्ग बनता है। अब आपको ख्याल होगा कि सभी ग्रहों को अपने अपने भिन्न अष्टक वर्ग में, किसी को एक रेखा, किसी को दो रेखा, किसी को पांच रेखा, किसी को छह रेखा, इस तरीके से ग्रहों को रेखाएं मिली। अब यहाँ ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है कि कितनी रेखाएं किस ग्रह को मिलती है तो उस ग्रह का फलाफल क्या होता है अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग। तो देखिए, ये आप, मैं जो बोल रहा हूँ पढ़ भी सकते हैं स्क्रीन पे, जो मैंने लिख दिया आप लोगों की सुविधा के लिए। किसी भी ग्रह को कम से कम शून्य और ज्यादा से ज्यादा 8 रेखा मिल सकती है। 8 रेखा अगर किसी भी ग्रह को मिलती है तो ग्रह बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है और अपने कारकों में वृद्धि करता है। यानी जो ग्रह अष्टक वर्ग में 8 रेखाओं से युक्त हो जाता है और शक्तिशाली हो जाता है तो उस ग्रह के जो कारकत्व होते हैं, ये ज्योतिष के बेसिक में आपको सीख लेना होगा, समझ लेना होगा कि कौन सा ग्रह किस चीज का कारक है, तो उस कारकत्व में वृद्धि हो जाती है। अब आप एक एक करके जानते जाइए कि अगर किसी ग्रह को भिन्नाष्टक वर्ग में 1 रेखा मिली है तो वो ग्रह कष्टकारी, तकलीफ देह होता है, टिमटिमाते हुए दिए की तरह, यानी उसमें पावर नहीं होती, वो अपना फल अच्छा डिलीवर नहीं करता कुंडली में। 2 रेखाओं से युक्त ग्रह नुकसान और धन हानि करता है अपनी दशा अंतरदशा में। और एक बात समझ के सीख के रखिए कि हर ग्रह का फल अच्छा बुरा जो भी होता है अपनी दशा अंतरदशा में डिलीवर करता है। भिन्न अष्टक वर्ग में कोई ग्रह अगर 3 रेखा से युक्त है तो जीवन में क्लेश और तनाव बनता है। भिन्नाष्टक वर्ग में किसी ग्रह को अगर 4 रेखाएं मिली है, यानी 4 रेखाओं से युक्त ग्रह है, तो वो सम फल देता है, यानी न शुभ न अशुभ, एक तरह से इसे तटस्थ समझिए। ये मैंने भिन्नाष्टक वर्ग में भी आपको बताया है पहले ही, यानी इस बात को मैं दोहरा चुका हूं कि 4 रेखाएं सम कर देती है ग्रह की स्थिति को, तटस्थ कर देती है ग्रह को, न अच्छा भी नहीं करता है वो फल, बुरा भी नहीं करता है। अकॉर्डिंग टू अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक वर्ग। अब आपके लिए अच्छी स्थिति शुरू होती है। 5 रेखाओं से युक्त ग्रह जो है सुख प्रदान करने वाला होता है। भिन्न अष्टक वर्ग में किसी ग्रह को अगर 6 रेखा मिल जाए तो वो धन संपत्ति और लाभकारी होता है, यानी धन संपत्ति का लाभ होता है जातक को, धन कमाता है उस ग्रह की दशा अंतर दशा में। 7 रेखाएं अगर भिन्न अष्टक वर्ग में किसी ग्रह को अगर मिल जाए तो भी वो ग्रह धन लाभकारी और संपत्ति कारक होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है आपके समझने के लिए। अगर भिन्नाष्टक वर्ग में कोई ग्रह 8 रेखाओं से युक्त हो जाता है तो सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है और राजयोग देता है। यहाँ उदाहरण के लिए मैं एक बात बता दूं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय श्री ज्योति बसु जी के सूर्याष्टक वर्ग में सूर्य को 8 रेखाएं मिली हुई थी। राजनीति की जानकारी रखने वाले जानते हैं कि इंदिरा गांधी भी किसी भी मुश्किल मसले पर ज्योति बसु से सलाह लिया करती थी। तो ये सूर्य के बहुत मजबूत होने का एक फल ज्योति बसु जी को मिला था। तो ये था ग्रहों को कितनी रेखाएं मिले तो क्या फल होगा। चलिए अब मैं बताता हूं कि सर्वाष्टक वर्ग में किसी भाव को कितनी रेखाएं मिलती हैं तो उसका क्या फल होता है। अब देखिए, सर्वाष्टक वर्ग, सभी भिन्नाष्टक वर्गों में भावों को दी गई रेखाओं से सर्वाष्टक वर्ग बनता है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं। सर्वाष्टक वर्ग से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा भाव कितना मजबूत और समृद्ध है। अब आप इसको अब ध्यान से समझिए। 20 से कम रेखा होना उस भाव से संबंधित वस्तु में कमी दिखाएगा। कमी उसी वस्तु में होगी जिस वस्तु का कारक कमजोर होगा। 25 से ऊपर जितनी रेखा बढ़ती जाएगी भाव उतना ही समृद्ध होगा। अब देखिए, सर्वाष्टक वर्ग कैसे बनता है वो मैं बता चुका हूं आपको, अब इसका फल भी समझ लीजिए। सभी भिन्नाष्टक वर्गों में भावों को दी गई रेखाओं से सर्वाष्टक वर्ग बनता है। सर्वाष्टक वर्ग से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा भाव कितना समृद्ध है।
अब इस पॉइंट को ध्यान से समझिए, 20 से कम रेखा होना उस भाव से संबंधित वस्तु में कमी दिखाएगा, कमी उसी वस्तु में होगी जिस वस्तु का कारक कमजोर होगा। 25 से ऊपर जितनी रेखा बढ़ती जाएगी भाव उतना ही समृद्ध होगा। ये जो बिंदु मैंने बताया है इसको ध्यान से दोबारा पढ़िए और समझिए कि कमी उसी वस्तु में होगी जिस वस्तु का कारक कमजोर होगा। मतलब किसी किसी भाव के चार चार कारक होते हैं, जैसे दशम भाव का सूर्य भी कारक है, बृहस्पति भी कारक है, बुध भी कारक है और शनि भी कारक है। तो अगर दशम भाव कमजोर होगा तो उसी के फल में कमी आएगी उन चारों ग्रहों में जो ग्रह ज्यादा कमजोर होगा। इस बात को भी समझना है अपने ध्यान से। अब एक बात समझ गए आप कि 25 से ऊपर जितनी रेखाएं बढ़ेंगी भाव समृद्ध होता जाएगा। आइए देखते हैं अब किस भाव में कितनी रेखाएं होती हैं तो क्या फल मिलता है। अब देखिए, किसी भाव को अगर 14 रेखा मिली है तो इसे मृत्यु तुल्य कष्ट समझिए उस भाव से संबंधी। 15 रेखा अगर किसी भाव को मिलती है तो वो कष्टकारी भाव होता है, यानी उस भाव से संबंधी मामले में आपको सफलता नहीं मिलेगी। 16 रेखाएं अगर किसी भाव को मिल रही है तो रोग और प्रकोप आपको सहना पड़ता है। तो सर्वाष्टक वर्ग की ये रेखाएं बनेंगी कैसे, ये मैं बता चुका हूं। सभी भिन्नाष्टक वर्गों का जोड़ एक भाव को मिलेगा। इसको समझने के लिए सर्वाष्टक वर्ग को आप दोबारा देख लीजिए। 17 रेखाएं अगर किसी भाव को मिल रही है तो दुख मिलेगा। 18 रेखा किसी भाव को अगर मिल रही है तो धन का नुकसान दिखाता है। 19 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो अनबन का इंडिकेशन है। 20 रेखाएं अगर किसी भाव को मिल रही है तो खर्च होगा और नुकसान का इंडिकेशन है। 21 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो रोगी होने का योग बनता है। 22 रेखा किसी भाव को अगर मिल रही है तो भ्रमित अवस्था उस भाव से संबंधी आप कह सकते हैं। 23 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो हानि और दुख का इंडिकेशन है। 23 से कम रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो ये हानि और दुख का इंडिकेशन है। 24 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो अचानक हानि का योग बनता है। 25 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो सामान्य फल कह सकते हैं, तटस्थ फल भी कह सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा कि अब रेखाएं बढ़ती जाएंगी तो इसका फलाफल शुभ होता चला जाएगा। 25 से ऊपर अब देखिए, 26 रेखा अगर मिलती है तो सामान्य शुभ है। 27 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो शुभ व अशुभ दोनों फल मिलते हैं। 28 रेखा अगर है तो धन का सुख मिलेगा। 29 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो समाज में सम्मान। 30 रेखा अगर किसी भाव को मिल रही है तो पदोन्नति। 31 रेखा किसी भाव को मिल रही है तो सुखों में वृद्धि। 32 रेखाएं अगर किसी भाव को मिल रही है या 32 रेखा से लेकर 40 रेखा तक ऐश्वर्य सुख ऐसो आराम की जिंदगी, और 41 रेखा से 45 रेखा तक राज सुख ऐश्वर्यशाली जीवन मिलता है। यानी किसी भी भाव को आप मान लीजिए कि 30 और 32 के ऊपर अगर रेखाएं मिलती हैं तो वो भाव बहुत शुभ हो जाता है और जातक को जिंदगी में उस भाव संबंधी शुभ फल जरूर मिलते हैं। ये था सर्वाष्टक वर्ग के और भिन्नाष्टक वर्ग के रेखाओं का फल जो आपके सामने मैंने रखा। अब आप सॉफ्टवेयर को जब यूज करेंगे तो सॉफ्टवेयर में अष्टक वर्ग और सर्वाष्टक वर्ग को जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो मैंने बताया है वो वहां एप्लीकेबल होगा। अब आप अपना कोई भी सॉफ्टवेयर जो यूज करते हैं अष्टक वर्ग सर्वाष्टक वर्ग का खोल के देखिए और मेरे वीडियोस को देखते हुए उनको समझने की कोशिश करिए तो आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो इजाजत दीजिए मुझे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूं और मिलता हूं ऐसी ही किसी और सीरीज को लेकर आपके साथ बहुत जल्द। थैंक यू।